हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और ये आपके CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार इस टॉपिक से आपको 4 नंबर में क्वेश्चन मिलता है या फिर 2 नंबर में, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से 4 नंबर के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो अपन आज यहाँ से एक एक पॉइंट करके हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम चीज़ें जो होती है ना, इसमें लर्निंग होती है। ये टॉपिक आपका ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा आपको लर्निंग रखनी है, आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा बार बार इन चीज़ों को। और CSIR नेट का बिल्कुल पैटर्न फिक्स है कि ये कुछ चीज़ों को उठाकर क्वेश्चन पूछता है, और वहीं से आपको बार बार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि यहाँ से आप क्वेश्चन को टेकल कर पाए, अगर ये गिवन इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन आया है तो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन बिलो आर वेरियस प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड दियर स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है। ये आपको लिस्ट दे रखी है, ये 2 लिस्ट आपको दे रखी है यहाँ पे, और आपको इनको मैच करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है फिनोलिक कंपाउंड्स, और ये है आपका एल्केलॉइड, टर्पिनॉइड्स और आपके साइनोजेनिक्स। तो ये आपको मैच करना है। तो आपको पता है 5 कार्बन जो आइसोप्रीन यूनिट होती है, आईपीपी। ठीक है, आईपीपी किसके अंदर होती है, ये होगा आपका टर्पिनॉइड्स के अंदर। ठीक है, तो सी में फर्स्ट आना चाहिए, तो सी में फर्स्ट देख लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पे। आई थिंक ये यहाँ पे मिसिंग है कुछ, सी में फर्स्ट, यहाँ पे सी में फर्स्ट आना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस हो गया है, अभी एक बार देख लेंगे हम लोग सी में फर्स्ट। अच्छा, ग्लूकोज यूनिट अटैच्ड बाई, और ये है आपका ओ बीटा ग्लाइकोसिल। एक जो ग्लाइकोसिडिक बोन्स होते हैं आपके, वो 2 तरीके के होते हैं, एक ओ लिंक होता है और एक होता है आपका एन लिंक। तो यहाँ पे हम ओ लिंक बीटा गैलेक्टोसाइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोज यूनिट अटैच है और बीटा उससे, तो ये आपका आना चाहिए आई थिंक साइनोजेनिक के अंदर, ये आपका साइनोजेनिक में होना चाहिए। तो डी में क्या आना चाहिए, यहाँ पे सेकंड आना चाहिए। और फिनोलिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा आपका, एरोमेटिक एरिन रिंग। ओके, और एल्केलोइड्स जो होते हैं वो आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। तो ये ऑप्शन जो देख लीजिए, ए में फोर्थ आना चाहिए आई थिंक, ये फिर इसमें शायद कुछ मिसिंग है ना, एक बार इसको हम लोग होल्ड कर देते हैं। ए में फोर होना चाहिए, बी में आपका थर्ड आना चाहिए, ए में फोर, बी में थर्ड, सी में फर्स्ट। अच्छा, सी में फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है, ये शायद कुछ मिस्टेक हो गया है, एक मिनट। ये आपका सी में फर्स्ट हो गया और डी में आपका सेकंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ हो जाएगा। ओके, ये आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना है। अगेन, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके नेक्स्ट टाइम इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दे, बट सेम रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें रिपीट होती है। जैसे कि इंपॉर्टेंट है कि एल्केलॉइड्स के अंदर जो है ना नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, ये स्टेटमेंट आपको कई जगह पे देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट्स। ए स्टेटमेंट कह रहा है, ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर कॉन्स्टिट्यूटिवली प्रोड्यूस्ड इन ऑल सेल्स ऑफ ए प्लांट ड्यूरिंग इट्स इंटायर लाइफ। क्या सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो प्राइमरी फंक्शन होता है ना, ज़्यादातर प्लांट्स अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो एनी टाइम नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर वो एनी टाइम बनाएंगे तो वो बहुत सारी एनर्जी को क्या कर देंगे, यहाँ पे खर्च कर देंगे। और अगर प्लांट इतनी एनर्जी को इस तरीके से एक्सपेंड करता रहेगा तो फिर वो तो गलत चीज़ है। यहाँ पे ऑल सेल्स भी बोला है तो ये भी नहीं है, प्लांट का हर एक सेल सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाने का काम नहीं करता। किसी प्लांट के अंदर रूट बनाती है, किसी के अंदर स्टेम बनाता है, किसी के अंदर लीफ सेल्स बनाती है, वो अकॉर्डिंग टू नीड, जैसा उनका नीड होता है उसके अकॉर्डिंग वो सिंथेसाइज करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ए स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। अगर ए रॉन्ग है तो आंसर आपका ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है और ये भी नहीं हो। तो आंसर तो आपका निकल गया है यहाँ से, सेकंड सेकंड आंसर निकल गया। दे सर्व एज अ सिग्नल्स टू हेल्प द प्लांट सर्वाइव एडवर्स कंडीशन। ये ठीक है कि जैसे प्लांट को एडवर्स कंडीशन में अगर सर्वाइव करना है, जैसे कि बहुत सारे पैथोजेंस वहाँ पर आ चुके हैं, तो पैथोजन के अगेंस्ट में, या फिर मैं ये कहूँ कि डिफेंस मैकेनिज्म के लिए अगर उसको रहना है, तो उसके लिए
वो क्या बनाएगा यहाँ पे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाता है। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा आपका, ट्रू हो जाएगा। दे मे बी वोलेटाइल कंपाउंड्स, वोलेटाइल कंपाउंड्स। और इसमें हमने बात करी थी जैसे कि इसेंशियल ऑयल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, टर्पीन्स में, टर्पीन्स के अंदर इसेंशियल ऑयल्स, जो कि टॉप डाउन कंट्रोल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे ही कोई प्रे आके प्लांट को फीड करता है, तो वैसे ही प्रे के फीड करने के बाद में मॉलिक्यूल्स की मिक्सिंग हो जाती है, और मिक्सिंग होने के बाद में जो प्लांट है या फिर जो प्लांट है वो क्या करेगा कि उन केमिकल्स को एयर के अंदर स्प्रेड कर देगा, एयर के अंदर स्प्रेड करता है, वोलेटाइल डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो उनका नेचर कैसा होता है, वोलेटाइल नेचर होता है उनका, वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, और उसी से एक प्रीडेटर को पता चल जाता है कि कैसे मेरा प्रे यहाँ पे किसी प्लांट को कंज्यूम कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल था टॉप डाउन कंट्रोल का, और इसमें हम लोग बता, ये जो सी स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर डी स्टेटमेंट कह रहा है दे कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्लावर कलर, फ्लावर कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बात तो ठीक है कि जैसे हमने बात ही करी थी कि पोलिनेशन करना है प्लांट को, तो अगर आपको बहुत एफिशिएंट पोलिनेशन करना है तो उसके लिए आपको पोलिनेटर चाहिए, कोई पोलिनेशन करवाने वाला एजेंट चाहिए, जैसे कि कोई हनी बी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं। क्योंकि अगर अच्छे अच्छे पेटल्स होंगे फ्लावर के, अच्छे सुंदर सुंदर पेटल्स होंगे, तो वहाँ पे एजेंट क्या होंगे आपके, अट्रैक्ट होंगे। और जब एजेंट अट्रैक्ट होते हैं, बी है, हनी बी हो गया, या फिर कोई भी आपकी वाष्प वगैरह है, तो वो उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो वो पॉलिनेशन को क्या करके जाएंगे, करवा के जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी एंड डी तीनों स्टेटमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। हमें ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादातर कोशिश करनी होती है कि हम लोग यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को जल्दी से फाइंड कर सके। अगर हमने इनकरेक्ट फाइंड कर लिया तो हमारा आंसर बहुत अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट बायोसिंथेटिक रिजल्ट इन द पाथवे बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स। यानी आपको ये बताना है सेकेंडरी, अच्छा टर्पीन के बायोसिंथेसिस के लिए बायोसिंथेटिक पाथवे बताना है। तो टर्पीन तो आपके बनते हैं मैवेलोनिक एसिड पाथवे, ठीक है, और आपका एमईपी पाथवे, मैवेलोनिक एसिड पाथवे जो कि आपका साइटोसोल के अंदर चलता है, और एमईपी पाथवे जो आपका प्लास्टिड के अंदर चलता है। ठीक है, ये दोनों ही पाथवे आपके टर्पीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट। बच्चों मैलोनिक एसिड पाथवे जो होता है ना, ये आपका फिनोलिक बना के जाता है, मैलोनिक बनाता है फिनोलिक, ओके, तो इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सिकेमिक एसिड, ये भी हमारा क्या बनाता है, फिनोलिक बनाता है, तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ओके, तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। फिर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए ब्रांच पॉइंट फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ सेस्क्यूटर्पिन एंड ट्राइटर्पिन। बच्चों हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हमने आईपीपी यूनिट बना ली 5 कार्बन की, ठीक है, 5 कार्बन कंटेनिंग आईपीपी यूनिट बन गई। फिर ये जो आईपीपी है, इसमें हम लोग एक डीएमएपीपी, इसी का आइसोमर होता है, ये मिलाकर हम लोग जीपीपी बनाते हैं, ग्रेनिल पाइरोफोस्फेट। फिर हम एफपीपी बनाते हैं, फर्नेसिल पाइरोफोस्फेट, ये 10 कार्बन कंटेनिंग है, ये 15 कार्बन कंटेनिंग है। और यहाँ से आपकी ये जो पाथवे है वो अलग अलग, बहुत अलग तरीके से क्या हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा। फिर आप लोग आगे चल के यहाँ पे जीजीपीपी बना लेते हैं, 20 कार्बन कंटेनिंग होता है, और भी बहुत अलग अलग तरीके के आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे कंपाउंड्स बनाएंगे, ओके, 30 कार्बन कंटेनिंग बनता है, 40 कार्बन कंटेनिंग बनता है, लॉट्स ऑफ, ओके। तो आपका जो ब्रांच पॉइंट होता है, ब्रांच पॉइंट क्या कहलाएगा, फर्नेसिल, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्नेसिल पाइरोफोस्फेट, ठीक है, ये आपका ब्रांच पॉइंट रहेगा। फॉलोइंग आर ए फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टर्पीन्स। आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्या चीज़ बतानी है आप लोगों को, करेक्ट। आइसोपेंटिनिल डाईफोस्फेट, यानी आईपीपी के बारे में ये बात कर रहा है, एंड फर्नेसिल पायरो डाईफोस्फेट, ये एफपीपी के बारे में बात कर रहा है, आर मोनोटर्पीन एंड सेस्क्यूटर्पीन रिस्पेक्टिवली। अच्छा, आईपीपी तो 5 कार्बन की होती है ना, 5 कार्बन कंटेनिंग, एंड एफपीपी कैसी होती है आपकी,
15 कार्बन कंटेनिंग होती है, और ये कह रहा है कि ये तो मोनोटर्पीन होता है और ये सेस्क्यूटर्पीन, तो एफपीपी जो है 15 कार्बन कंटेनिंग होता है ये तो सेस्क्यूटर्पीन होता है, ये तो ठीक है, बट 5 कार्बन वाले को या 5 कार्बन वाले को आप मोनोटर्पीन बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो ए स्टेटमेंट ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? गलत हो जाएगा, ठीक है। ए स्टेटमेंट ही क्या है आपका? रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो अगर ए गलत है तो आंसर हमारा ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आप इन दोनों ऑप्शंस में देख लीजिए बच्चों क्या चीज कॉमन दे रखी है। डी कॉमन दे रखा है, इसका मतलब डी तो डेफिनेटली ट्रू होगा भाई, दोनों में कॉमन दे रखा है, हमको तो यही करना है। डी डी क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। तो ये पढ़ लीजिए, डाइटर्पीन्स हैव 20 कार्बन्स वेयर सेस्क्यूटर्पीन्स है 15 कार्बन्स। ये बात तो ट्रू है कि डाइटर्पीन 20 कार्बन होता है, हमने बात करी थी जिब्रेलिक एसिड की भी, तो ये भी ठीक है। सेस्क्यूटर्पीन ये भी ठीक है, एफपीपी ये 15 कार्बन का होता है। फिर बी में देखिए, स्क्वेलिन ये होता है बच्चों आपका 13 कार्बन कंटेनिंग, एंड ग्रेनिल डाइफोस्फेट ये होता है आपका 10 कार्बन कंटेनिंग, आर ट्राइटर्पीन्स एंड मोनोटर्पीन्स रिस्पेक्टिवली। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। स्क्वेलिन हम लोग बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के अंदर, जहाँ पे आप आईपीपी की 6 यूनिट मिला के आप 30 कार्बन कंटेनिंग स्क्वेलिन बनाते हैं, एक लीनियर कंपोनेंट्स बनाते हैं, और उसके बाद में स्क्वेलिन के अंदर होता है आपका साइक्लाइजेशन, लेनोस्टिरोल बनता है, और लेनोस्टिरोल बनने के बाद में 3 कार्बन को हम डिलीट करके 27 कार्बन का क्या बना देते हैं? कोलेस्ट्रॉल बना देते हैं। 27 कार्बन का क्या बना देंगे हम लोग? कोलेस्ट्रॉल बना देंगे। तो आपका बी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बी ट्रू है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी एंड डी हो जाएगा ना। फिर सी बोल रहा है डाई मिथाइल एलील डाई फोस्फेट, ये अभी अभी जो मैंने बात करी थी डी एम ए पी पी इसके बारे में, एंड ग्रेनिल ग्रेनिल पाई फोस्फेट। तो ये जो डी एम ए पी पी है आपका, ये आई पी पी का ही क्या होता है? आइसोमर होता है। तो ये भी कितने कार्बन का होना चाहिए? 5 कार्बन कंटेनिंग होना चाहिए ना, और ये कह रहा है कि ये 10 एंड 20 कार्बन वाले होते हैं। तो आईपीपी या डीएमएपीपी जो है बच्चों ये 5 कार्बन कंटेनिंग होता है, न कि 10 कार्बन कंटेनिंग। ओके, तो सी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ओके, तो आंसर करेक्ट आंसर विल बी बी एंड डी। देखिए, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स। आइसोपेंटिनिल डाइफोस्फेट एंड इट्स आइसोमर कंबाइन टू फॉर्म लार्ज टर्पीन्स। ये आईपीपी और इसका जो आइसोमर है जिसका नाम क्या था अभी अभी हमने बात करी थी डीएमएपीपी, ये दोनों मिलकर कंबाइन मतलब कंबाइन होके लार्ज टर्पीन्स बनाते हैं। तो ये बात तो ट्रू है, अभी अभी हमने बात करी थी कि आईपीपी और डीएमएपीपी जो है वो मिलकर जीपीपी बना रहे हैं, फिर जीपीपी से एफपीपी बन रहा है, एफपीपी से आगे चल के आपका जीजीपीपी बन रहा है, और भी कई तरीके की चीज़ें बन रही हैं। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। डाइटर्पीन्स आर 20 कार्बन कंपाउंड्स, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि अभी अभी हमने बात करी थी कि ये जिब्रेलिक एसिड आता है इसके अंदर जीजीपीपी वाला। ऑल टर्पीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ 4 कार्बन एलिमेंट्स। क्या कहा है कि जो टर्पीन्स हैं आपके वो 4 कार्बन वाली एलिमेंट से बनते हैं, ये तो गलत बात है ना। यहाँ पे तो क्या होना चाहिए? 5 कार्बन होना चाहिए, और 5 कार्बन वाली यूनिट का नाम क्या है? आईपीपी। तो सी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर विल बी ए बी एंड डी। फिर ये कह रहा है पाइरेथ्रोइड्स आर मोनोटर्पीन एस्टर्स, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। पाइरेथ्रोइड्स होता है बच्चों आपके इंसेक्टिसाइड एक्टिविटी रहती है इसके पास में, जो मिलता है आपकी क्रिसेंथिमम सिनरेरीफोलियम, ठीक है। ये एक प्लांट है क्रिसेंथिमम सिनरेरीफोलियम, जिससे पाइरेथ्रोइड्स को आइसोलेट किया जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका ए बी एंड डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स। ओके, आपको बताने हैं प्लांट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखा है। ऑल टर्पीन्स आर डिराइव फ्रॉम ए 6 कार्बन एलिमेंट। देखो, अभी अभी तो हमने डिस्कस किया था जस्ट ही कि यहाँ पे आपका 6 कार्बन नहीं होता, 5 कार्बन होता है, ना 4 होते हैं, ना 3 कार्बन होते हैं, ना ही आपके 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन। ओके, आईपीपी यूनिट। ओके, तो ए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? रॉन्ग, ठीक है। और हमें पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले तो हमें ये देखना है, हमें को करेक्ट देखना है।
तो एल्केलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये बात तो एकदम ट्रू है कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक जब हम लोग फीचर्स की बात करते हैं तो आईपीपी में आईपीपी टर्पिन्स के अंदर आईपीपी यूनिट आती है और आपके जो एल्केलॉइड्स आते हैं वो उनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और फिनॉलिक कंपाउंड्स के अंदर आपके एरिन रिंग प्रेजेंट होती है. ओके तो ये जो आपका एल्केलॉइड्स है ये बी स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा. ए इनकरेक्ट है और बी ट्रू है तो आंसर तो आपका निकल गया बी एंड सी. पायरेथ्रोइड्स ए मोनोटर्पीन एस्टर फाउंड इन द लीव्स एंड द फ्लावर ऑफ क्रिसैंथेमम स्पीशीज. अभी जस्ट मैंने इसे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर बताया था आपको कि क्रिसैंथेमम सिनरेरी फोलियम नाम से प्लांट है जिसके अंदर इसको सिंथेसाइज किया जाता है और इसके पास में कौन सी एक्टिविटी होती है, इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी होती है. तो आप देख लीजिए कि चीज़ें कितनी रिपीट हो रही हैं. एल्केलॉइड ये अभी पहले भी आया था नाइट्रोजन कंटेनिंग जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था मैच द फॉलोविंग के लिए और ये सिक्स कार्बन यूनिट वाला ये जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में रिपीट हुआ है. तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बी एंड सी. लिमोनॉइड्स आर ग्रुप ऑफ एल्केलॉइड्स. बच्चों ये ग्रुप होता है एल्केलॉइड का नहीं होता, ये टर्पीन का होता है. कैसा होता है, ये टर्पीन्स का ग्रुप होता है और इसके पास में एंटी हर्बीवोरल एक्टिविटी है, ये बात एकदम ट्रू है. लिमोनॉइड जैसे आपके सिट्रस फैमिली के अंदर होता है और सिट्रस फैमिली के मेंबर्स में जो अलग सी एक जो बिटर टेस्ट आता है ना वो इस लिमोनॉइड कंपाउंड की वजह से ही आता है. ठीक है, सिट्रस फैमिली के अंदर आपने देखा होगा ना लेमन का जो उसका जो छिलका होता है उसके अंदर एक बहुत तीखा तीखा सा टेस्ट आता है ना, वो इस लिमोनॉइड कंपाउंड की वजह से. ओके तो करेक्ट आंसर विल बी बी एंड सी. देखिए इन टर्पीन बायोसिंथेटिक पाथवे दे थ्री एसिटिल को एंजाइम्स आर जॉइन टुगेदर स्टेप वाइज टू फॉर्म मैवेलोनिक एसिड. ये बात तो ठीक है कि जब हम लोग एमईपी पाथवे पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग तीन एसिटिल को एंजाइम के मॉलिक्यूल्स, थ्री एसिटिल को एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये मिलकर सिक्स कार्बन का मैवेलोनेट बनाते हैं, मैवेलोनेट बनाते हैं. और इस मैवेलोनेट बनाने के लिए हमको स्टेप वाइज कुछ स्टेप्स करने होते हैं. स्टेप्स इज रिक्वायर्ड बाय मैवेलोनिक एसिड टू फॉर्म आइसोपेंटिनिल पाइरोफोस्फेट आईपीपी यूनिट, कि मैवेलोनेट से आगे चल के क्या बनाना है हमें, आईपीपी बनानी है. तो ये कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो ये छः कार्बन का होता है और ये होता है आपका फाइव कार्बन कंटेनिंग, तो एक कार्बन हमको कम करना पड़ेगा. यहाँ पे ऊपर जो है पाइरोफोस्फेट जुड़ा हुआ नहीं है तो हमें पाइरोफोस्फेट भी इसके अंदर ऐड करना है. तो सबसे पहले तो होता है इसके अंदर पाइरोफोस्फेराइलेशन, ये अलग अलग स्टेप के अंदर हम लोग यहाँ पे फोस्फेट को ऐड करते हैं अलग अलग स्टेप के अंदर. तो दो फोस्फेट यहाँ पे ऐड करी जाएगी और उसके बाद में होता है एक कार्बन का रिमूवल एज ए सी ओ टू, डीकार्बोक्सिलेशन होगा यहाँ पे, सी ओ टू का मोलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और डिहाइड्रेशन, और फाइनली क्या होता है यहाँ पे वाटर का मोलिक्यूल डिस्कार्ड कर दिया जाता है. ठीक है, तो ये करेक्ट सीक्वेंस होगा इसका, फर्स्ट पाइरोफोस्फोराइलेशन देन डीकार्बोक्सिलेशन एंड देन डिहाइड्रेशन. ओके तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा. द जीन इनकोडिंग फॉर मैवेलोनेट, द जीन इनकोडिंग फॉर मैवेलोनेट थ्री काइनेज इज डिसरप्टेड इन सर्टेन प्लांट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द अबव प्लांट इज करेक्ट. आपको बताना है कि जो मैवेलोनेट थ्री काइनेज है, देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है कि यहाँ हमारा बनता है पहले मैवेलोनेट बन गया. अब इस मैवेलोनेट से हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं कि अगर हमें आईपीपी यूनिट बनानी है तो या तो हम क्या करें, इस मैवेलोनेट के पास में थ्री और फिफ्थ नंबर पे दोनों पे क्या होता है ओएच ग्रुप होता है, तो या तो हम क्या करें फिफ्थ नंबर पे क्या कर दे फॉस्फोराइलेशन कर दे. तो अगर फिफ्थ पे करेंगे तो यहाँ पे मैवेलोनेट फाइव काइनेज आएगा और मैवेलोनेट फाइव काइनेज आता है तो ये फाइव फॉस्फेट, उसके बाद में बनता है यहाँ पे मैवेलोनेट पाइरोफॉस्फेट, उसके बाद में यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा और फिर आपका बनेगा यहाँ पे आईपीपी यूनिट. ओके लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने मैवेलोनेट थ्री काइनेज के फंक्शन को डिसरप्ट कर दिया है ये जीन, तो यहाँ पे अगर ये मैवेलोनेट थ्री काइनेज आता है तो तीन नंबर पे क्या होगा फॉस्फोराइलेशन होगा, तो
मेवेलोनेट 3-फोस्फेट बनेगा पहले, और उसके बाद में एक और फोस्फेट ऐड करी जाती है जिससे कि बनता है मेवेलोनेट 3,5-बिसफोस्फेट। देन क्या बनता है? आईपीपी बनती है। लेकिन बच्चों इसने बोला मेवेलोनेट 3-फोस्फेट ही क्या हो चुका है, मेवेलोनेट 3 काइनेज में ही क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, या फिर इसका फंक्शन हमने क्या कर दिया है, डिसरप्ट कर दिया। तो आपको बताना कि क्या चीज़ करेक्ट है यहाँ पे। तो मैवेलोनिक एसिड 3,5-बिसफोस्फेट विल बी सिंथेसाइज्ड। जब आपने यहाँ पे ही म्यूटेशन कर दिया है तो क्या आपका मैवेलोनेट 3,5-बिसफोस्फेट बन पाएगा क्या? ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि म्यूटेशन कहाँ पे हुआ है, पहले हुआ है। तो ये आपका मैवेलोनेट 3,5-बिसफोस्फेट नहीं बन सकता, जबकि ये कह रहा है कि विल बी सिंथेसाइज्ड। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर कह रहा है मैवेलोनिक एसिड 3,5-बिसफोस्फेट एंड आईपीपी विल बी सिंथेसाइज्ड, ये स्टेटमेंट कैसा होगा भाई? ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैवेल 3,5-बिसफोस्फेट तो बनेगा ही नहीं, और अगर यही नहीं बनेगा तो आईपीपी कैसे बन पाएगी? तो यहाँ पे दोनों का ही सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। फिर थर्ड बोल रहा है देयर विल बी नो सिंथेसिस ऑफ मैवेलोनेट 3,5-बिसफोस्फेट। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि 3,5-बिसफोस्फेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? बट मैवेलोनिक एसिड विल बी सिंथेसाइज। ये तो ट्रू है, मैवेलोनेट तो वैसे भी इससे पहले का प्रोसेस है कि जहाँ पे हमारा म्यूटेशन हुआ है ना, उस म्यूटेशन से पहले का जो हमारा स्टेप होगा वो तो नॉर्मल चलेगा, और म्यूटेशन के बाद में जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो हमारा नॉर्मल नहीं चलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका? थर्ड होना चाहिए। ओके, एसिटो एसिटिल कोएंजाइम एंड मैवेलोनिक विल नॉट बी सिंथेसाइज, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो आपका एसिटो एसिटिल बनता है वो इससे पहले का प्रोसेस है। एसिटो एसिटिल कोएंजाइम और उसके बाद में बनता है आपका HMG कोएंजाइम, देन आपका मैवेलोनेट बनता है। ओके, तो ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर डाइवर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्लांट्स, द फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स अबाउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दे प्रोटेक्ट प्लांट अगेंस्ट बीइंग ईटन बाय हर्बीवोर्स एंड अगेंस्ट बीइंग इन्फेक्टेड बाय माइक्रोबियल पैथोजन। ये कहना चाह रहा है कि अगर ये कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये प्लांट को किसी भी हर्बीवोर के खाने से क्या करते हैं, उसको एक रेसिस्टेंट बनाते हैं, तो इसका मतलब ये एंटी हर्बीवोरी एक्टिविटी अवेलेबल करवाते हैं प्लांट को। ये तो ट्रू है, डिफेंस मैकेनिज्म, एंटी हर्बीवोरी, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, और अगर कोई माइक्रोबियल माइक्रोब से अगर उसको प्रोटेक्ट करना है तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी हो जाएगी। तो ए स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टर्पीन्स द लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये दो एकदम ट्रू है कि लार्जेस्ट ग्रुप होता है, सिंथेसाइज्ड बाई MEP पाथवे, ठीक है, एंड सिकिमिक, नो, सिकिमिक एसिड पाथवे से टर्पीन नहीं बनता है। अभी अभी हमने पहले थोड़ी थोड़ा हमने डिस्कस किया था कि जो मैवेलोनिक एसिड पाथवे और आपका ये MEP पाथवे, ये दो पाथवे ऐसे होते हैं जो कि आपके क्या करके जाएंगे बच्चों, आपके टर्पीन को बना के जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिकिमिक एसिड पाथवे तो हमने किसके लिए देखा था, ये फिनोलिक के लिए होता है, न कि टर्पीन के लिए। तो बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, तो बी गायब होगा, तो आप इसको कट कर देंगे। आंसर विल बी AC and D। ओके, तो ए हमारा ट्रू था। द मोस्ट अबंडेंट क्लासेस ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स इन प्लांट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फिनाइल एलेनिन। जो बच्चों देखो, जो आपके फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड से बन के जाते हैं, जैसे कि आपका ट्रिप्टोफेन, टाइरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन, शॉर्ट में अगर आप बोलना चाहते हैं तो वाइफ। ओके, ये आपके इनसे सिंथेसाइज होके जाएगा। तो अभी जो सबसे मेन इनके अंदर होता है जो फिनोलिक कंपाउंड, सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट करता है वो फिनाइल एलेनिन करता है, इसके बाद में ये दोनों आते हैं। और इसने यही बोला है कि मोस्ट अबंडेंट जो क्लासेज है वो आपके फिनाइल एलेनिन से डिराइव होके जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका? ट्रू है। एल्केलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स, ये एक स्टेटमेंट देख लीजिएगा बच्चों, और आई थिंक ये थर्ड क्वेश्चन है जहाँ पे एल्केलॉइड के नाइट्रोजन कंटेनिंग होने के बारे में तीसरी बार पूछा गया है। ओके, तो ये देख लीजिए स्टेटमेंट्स कितने रिपीट हो रहे हैं।
तो ए सी एंड डी क्या हो जाएगा यहां पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके देखिए, प्लांट्स आर नॉन टू सिंथेसाइज मोर देन, ओके आपको यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है, आई थिंक देखो मैच करना है, तो जो आपको आता है आप उस चीज को मैच करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बायोसिंथेसिस ऑफ टू बेसिक फाइव कार्बन यूनिट्स। अच्छा, बेसिक जो हमारी फाइव कार्बन यूनिट्स होती है वो कौन सी होती है, आईपीपी, और इसके अलावा इसी का एक आइसोमर था, क्या नाम था उसका, डीएमएपीपी, ये था ना। तो आईपीपी और जो डीएमएपीपी है उनको बनाने के लिए हमको एचएमजी को एंजाइम की जरूरत पड़ी थी कि नहीं, यहाँ पे एचएमजी को एंजाइम सिंथेज आई थिंक आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिंथेज होना चाहिए, ठीक है, एच एम जी को, जिसको हमने बात करी थी मैवेलोनिक एसिड पाथवे के थ्रू। ओके, एम ई पी पाथ, सॉरी मैवेलोनिक एसिड पाथवे, मैवेलोनिक एसिड पाथवे ये हुआ था। ओके, तो एक के अंदर आपका थर्ड ऑप्शन आना चाहिए, और ये आपको देखो एक में दे रखा है, ठीक है, ए में थर्ड। और आप देख लीजिए, और भी देख लीजिएगा आप लोग, रिपीटेटिव एडिशन ऑफ सी फाइव यूनिट्स, आपको रिपीटेटिव एडिशन करना है। जैसे हमने बात करी थी आईपीपी और डीएमएपीपी मिलके 10 कार्बन कंटेनिंग यूनिट बना लेते हैं, फिर 10 कार्बन जो है इसमें हम एक और आईपीपी ऐड करेंगे तो फिर वो एफपीपी बना लेगा। यानी यहाँ पे जो आईपीपी यूनिट है उसको ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम आएगा ना, और जो आईपीपी यूनिट होती है उसे हम प्रेनिल ग्रुप के नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रेनिल ग्रुप। तो यहाँ पे जो बी है उसके अंदर किसके साथ में मैच करेंगे, प्रेनिल ट्रांसफर है, जो आईपीपी यूनिट को क्या करके जाएगा, ट्रांसफर करके जाएगा। ओके, तो बी में हो जाएगा आपका फोर्थ स्टेटमेंट। फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक टर्पिनोइड स्केलेटन, देखिए बेसिक टर्पिनोइड स्केलेटन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आपका मैच किससे होगा, टर्पीन सिंथेज के साथ में, क्योंकि आपको टर्पीन का स्केलेटन बनाना है। फिर मॉडिफिकेशन अगर हमको करना है तो ये एंजाइम आता है आपका P450 मोनो ऑक्सीजनेस, ये साइटोक्रोम P450 होता है, एक कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, और ये जो साइटोक्रोम P450 मोनो ऑक्सीजनेस होते हैं इसके पास में लॉट्स ऑफ फंक्शंस, ये बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शन करता है, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ। देखिए, फॉलोइंग आर स्टेटमेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में देखना है, और आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है, क्या बताना है, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए, टर्पीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय सिकेमिक एसिड, अच्छा अच्छा ये सिकेमिक एसिड, ये बार बार पता नहीं इसको यही है क्यों क्यों दिखता है, इसको सही करके क्यों नहीं देता ये। टर्पीन सिकेमिक एसिड से बनता है या फिर मैवेलोनिक एसिड और एमईपी पाथवे से मिलता है, ये मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो सिकेमिक एसिड नहीं आना चाहिए यहाँ पे, तो ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ए इनकरेक्ट है, और दोनों ऑप्शंस के अंदर आपके बी स्टेटमेंट कॉमन दे रखा है, इसका मतलब बी तो ट्रू होगा हमारा। एल्केलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड आर सिंथेसाइज्ड बाय सिकेमिक एसिड पाथवे, तो ये तो ट्रू है। देखो, सिकेमिक एसिड पाथवे के बारे में अगर आपको प्राइमरी तौर पे बोले तो आप फिनोलिक जवाब देंगे, लेकिन आपके एल्केलॉइड्स जो हैं वो भी आपके किससे डिराइव होते हैं बच्चों, आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड से मिलते हैं, और एरोमेटिक अमाइनो एसिड को बनाने में आपका कौन सा पाथवे आएगा, सिकेमिक एसिड पाथवे काम आएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा। फिर कह रहा है, फिनोलिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय सिकेमिक एसिड पाथवे एंड मैलोनिक एसिड पाथवे, तो ये तो ठीक है, मैलोनिक एसिड पाथवे के बारे में तो हम लोग बात ही करते हैं, सी स्टेटमेंट तो ट्रू होगा। ओके, फिर ये बोले बोथ एल्केलॉइड्स एंड टर्पीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय मैवेलोनिक एसिड पाथवे एंड एमईपी पाथवे, देखो कैसी बातें कर रहा है, मैवेलोनिक और एमईपी पाथवे तो हमारे टर्पीन के लिए होते हैं, एल्केलॉइड के लिए तो कौन सा होता है, सिकेमिक एसिड पाथवे, जो अभी अभी देखो सेकेंड स्टेटमेंट में दे रखा है ना। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा, तो डी इनकरेक्ट है, तो आंसर विल बी बी एंड सी, थर्ड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे चलिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग द प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट टर्पीन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है बच्चों, मोनोटर्पीन्स आर फाइव कार्बन कंटेनिंग, नहीं, एक टर्पीन के अंदर आपके कार्बन्स कितने होते हैं,
टर्पीन में होते हैं 10 कार्बन्स, और अगर आपको टर्पीन का आधा करना है तो आप क्या कहेंगे, हैमी टर्पीन्स 5 कार्बन कंटेनिंग, और वो कौन सा होता है आपका, टिजिलिक एसिड। कौन सा होता है 5 कार्बन कंटेनिंग, टिजिलिक एसिड होता है, और उसे हम लोग हैमी टर्पीन के नाम से भी बोलते हैं। तो मोनोटर्पीन्स आर 5 कार्बन कंटेनिंग, नो इट्स रॉन्ग, तो ए में क्या हो जाएगा आपका, ए इनकरेक्ट है, तो ए गायब हो जाएगा। अब आप इन दोनों ऑप्शंस में देखिए बच्चों, सी एंड डी दोनों में कॉमन है, इसका मतलब सी एंड डी तो क्या होंगे, ट्रू होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अब हमको केवल बी पढ़ना है, एग्जाम में हमें ये चीज जरूर से ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा आए तो हमें ऑप्शन एलिमिनेशन तो सबसे पहले करना है, ठीक है। तो ये कह रहा है द एंटी मलेरियल ड्रग आर्टिमिसिनिन इज अ सेस्क्यूटर्पिन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका ट्रू है, ठीक है, बिल्कुल ट्रू है। जो एंटी मलेरियल ड्रग, आपने बच्चों नाम सुना होगा क्विनिन के नाम से, क्विनिन भी एंटी मलेरियल होती है, लेकिन एक और ड्रग है आर्टिमिसिनिन, ये आपका सेस्क्यूटर्पिन होता है और 15 कार्बन कंटेनिंग होगा, और ये भी आपकी एंटी मलेरियल ही होती है, ओके, जिसको ऑब्टेन किया जाता है आर्टिमिसिया एनुआ, आर्टिमिसिया एनुआ, ओके। और इस क्वेश्चन को दो बार, मतलब दो या तीन बार जो है CSIR अपने एग्जाम में पूछ चुका है, 4 नंबर में भी, 4 मार्क्स में भी आया हुआ है ये, और आपके 2 मार्क के अंदर भी आया हुआ है, ओके। तो बी स्टेटमेंट भी ट्रू है। एज अ डायरेक्टिन, नाम से पता चल रहा है, एज अ डायरेक्टिन मतलब ये नीम से मिलता है, एज अ डायरेक्टा इंडिका, और ये ट्राइटर्पीन होता है 13 कार्बन कंटेनिंग, और इसके पास में ये कहाँ से मिलता है, सीड ऑयल इज एशियन नीम ट्री, एशियन नीम ट्री से मिलता है, ये तो हमारे यहाँ भी मिलता है, ठीक है, हम लोग एशिया में तो आते हैं तो आपके यहाँ पे भी देखने को मिलता है। और कई बार ये जो एज अ डायरेक्टिन है ना बच्चों, इसके प्रॉपर्टी होता है इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी होता है, कौन सा एक्टिविटी होता है ये, इंसेक्टिसाइडल, मतलब इंसेक्ट को मारने में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये चीज़ हमने भी अपने घरों पर इस्तेमाल किया है, कई बार हम लोग जैसे गर्मियों में मच्छर मारने के लिए जो नीम के सूखे पत्ते हैं उनको जलाकर हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे धुआं हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, मच्छरों को मारने में हेल्प करता है। तो यही वही एज अ डायरेक्टिन है जो कि इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी को क्या करता है, परफॉर्म करता है, ओके। तो सी स्टेटमेंट ट्रू है। टैक्सोल जो है वो आपका डाइटर्पीन होता है, और ये एक एंटी कैंसरल ड्रग होती है, ओके, एंटी कैंसरल ड्रग होती है, कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और टैक्सोल जो है वो आपका मिलता है टेक्सस से, टेक्सस जो कि आपका एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, टेक्सस जो प्लांट है, टेक्सस बकाटा एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जिससे आपके टैक्सोल को आइसोलेट किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो बी सी एंड डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सर्टेन प्लांट स्पीशीज प्रोड्यूस साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पैथोजन, कि कुछ आपके प्लांट ऐसे होते हैं जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स बनाते हैं, साइनाइड कंपाउंड बनाते हैं ये, और ये क्या करेगा, देखिए, तो रिसर्चर हैज़ आइडेंटिफाइड अ वेरिएंट ऑफ सच अ प्लांट दैट हैज़ हायर लेवल ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, येट इट इज़ हाईली ससेप्टेबल टू अ स्पेसिफिक फंगल पैथोजन, यानी उसने क्या किया है, उसने क्या किया, जैसे प्लांट है बहुत सारे जो अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ साइनाइड कंपाउंड बनाते हैं, और ताकि फंगस उसके ऊपर क्या नहीं कर सके, अटैक नहीं कर सके, तो उसने बोला कि एक वेरिएंट हमको मिला है प्लांट का दैट हैज हायर लेवल ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है आपके साइनाइड कंपाउंड बन रहे हैं, येट इट इज़ हाईली ससेप्टेबल टू अ स्पेसिफिक फंगल पैथोजन, लेकिन फिर भी ये फंगस के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, ससेप्टेबल हो चुका है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है। तो यानी प्लांट जो है बार बार क्या हो रहा है, प्लांट बार बार क्या हो रहा है, फंगस से अफेक्ट हो रहा है। तो ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि साइनाइड के बनने के बाद में भी ये चीज़ चल रही है। टू इंटरप्रेट दिस काउंटर इंट्यूटिव ऑब्जर्वेशन,
द रिसर्चर हाइपोथिसाइज दैट द फंगल पैथोजन हैज हायर लेवल ओ, यानी ऐसी क्या चीज है पैथोजन के पास में, फंगस के पास में, जिससे कि वो साइनाइड के होते हुए भी क्या कर पा रहा है, इन्फेक्शन कोज कर पा रहा है प्लांट के अंदर। तो जरूर ऐसा होगा कि वो फंगस जो है वो साइनाइड से रेसिस्टेंट हो सकता है, उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, साइनाइड उसकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसको ब्लॉक नहीं कर पा रहा हो, ये भी तो चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए एक बार डी स्टेटमेंट को देखिएगा, साइनाइड रेसिस्टेंट अल्टरनेट ऑक्सीडेज एक्टिविटी, कि जरूर उस फंगस के पास में क्या है, साइनाइड से रेसिस्टेंसी गेन करने का कोई ना कोई जुगाड़ है, या फिर उसके पास में अल्टरनेट ऑक्सीडेज एक्टिविटी है, जिससे कि आपके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके NADH से डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं, अल्टरनेट ऑक्सीडेज की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फोर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन कॉम्प्लेक्स फोर की तरफ नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से अब ये कहाँ पे रहेगा, अल्टरनेट ऑक्सीडेज। तो O2 को कंटिन्यूसली यूज़ किया जाएगा और आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो डिसरप्ट नहीं होगी, मतलब इतना वो बना लेगा कि वो सर्वाइव कर सके, बहुत ज़्यादा ATPs नहीं चाहिए उसको, लेकिन वो सर्वाइव इजीली कर लेगा। तो ज़रूर इसके पास में साइनाइड रेसिस्टेंसी होगी, तो डी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर ये कह रहा है बीटा ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी, बच्चों बीटा ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ग्लूकोसाइडेज करते भी हैं तो भी आपका जो नॉन टॉक्सिक फॉर्म है ना वो टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बीटा ग्लूकोसाइडेज का कोई खास रोल देखने को नहीं मिलेगा। फिर कह रहा है फॉर्मेमाइड हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी, बच्चों ये चीज जो है जो इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो फंगस है वो एक एंजाइम बनाता है फॉर्मेमाइड हाइड्रोक्सिलेज नाम से, जो कि कई सारी जो साइनाइड कंपाउंड की वजह से कुछ टॉक्सिक फॉर्म्स बनती हैं उनको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, और उनको डिग्रेड करेगा तो वो क्या कर पाएगा, इजीली सर्वाइव कर पाएगा। तो यहाँ पे बी एंड डी क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट। साइटोक्रोम P450 जो मोनो ऑक्सीजिनेज एंजाइम है, ये भी कई चीज़ों का डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है, लेकिन ये साइनाइड का डिटॉक्सिफिकेशन कर पाए इसके अंदर इसका रोल आई थिंक बहुत बहुत कम है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बी एंड डी, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। द प्रीकर्सर मेटाबोलाइट फॉर इज फॉर मोस्ट ऑफ फिनोलिक कंपाउंड, सबसे ज्यादा फिनोलिक कंपाउंड्स कौन से अमाइनो एसिड से मिलते हैं, सबसे ज़्यादा फिनोलिक कंपाउंड जो है वो आपको कौन से अमाइनो एसिड से देखने को मिलेंगे, तो ये तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था फिनाइल एलेनिन। आप देख लीजिए कि यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो फिनाइल एलेनिन होगा, IPP तो टर्पीन बना के जाता है, इसका तो सवाल ही नहीं है। मैवेलोनेट ये भी आपका IPP के लिए प्रीकर्सर होता है, ये भी आपका IPP के लिए, मतलब ये तीनों ही आपके टर्पीन होंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी फिनाइल प्रोपेनोइड पाथवे। अच्छा, फिनाइल प्रोपेनोइड पाथवे से क्या मिला था, आपको पता है सिकिमिक एसिड पाथवे, फिनाइल प्रोपेनोइड पाथवे और मेलोनिक एसिड पाथवे, ये तीनों ही आपके फिनोलिक कंपाउंड्स के लिए बने थे ना, तो जब फिनोलिक कंपाउंड्स के लिए बनेंगे तो कहाँ पे आएगा, ये फिनोलिक्स बनाएंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी फिनोलिक्स। एल्कलॉइड के लिए सिकिमिक एसिड पाथवे चलेगा, कैरोटीन्स आपका टर्पीन है तो यहाँ पे मैवेलोनिक एसिड पाथवे और MEP पाथवे चलेंगे, और ये टर्पीन भी आपका वही होगा, तो आंसर विल बी फिनोलिक्स। फिनाइल एलेनिन अ प्रीकर्सर ऑफ मोस्ट ऑफ द फिनोलिक्स इन हायर प्लांट्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाथवे। ध्यान से सुनिएगा, इसने कहा है कि फिनाइल एलेनिन जो कि प्रीकर्सर का काम करता है बहुत सारे फिनोलिक कंपाउंड्स के लिए, ये तो ट्रू है, लेकिन फिनाइल एलेनिन कौन से पाथवे का प्रोडक्ट है ये आपको बताना है। तो आपको पता है सिकेमिक एसिड पाथवे के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरोमेटिक अमाइनो एसिड बनाते हैं क्या, वाइफ बताइए, एरोमेटिक अमाइनो एसिड बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, वाइफ। ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट होगा। मैलोनिक एसिड पाथवे में क्या होता है बच्चों, ये जो वाइफ है ये एंटर करते हैं, या फिर ये भी डायरेक्ट एंटर नहीं करेंगे, इसके प्रोडक्ट पहले फिनाइल प्रोपेनोइड पाथवे में एंटर करेंगे, देन आपका चलेगा मैलोनिक एसिड पाथवे। ओके, तो ये आपका
आंसर क्या होना चाहिए इसमें करेक्ट, सिकिमिक एसिड पाथवे, जो कि एक प्राइमरी पाथवे है, न कि सेकेंडरी पाथवे। कभी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि सिकिमिक एसिड पाथवे प्राइमरी पाथवे होता है या फिर आपका सेकेंडरी पाथवे होता है, तो आप जवाब क्या देंगे वहां पे, सिकिमिक एसिड पाथवे प्राइमरी पाथवे होता है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स आर प्राइमरी मेटाबोलाइट नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अगर अमाइनो एसिड्स ही नहीं बनेंगे तो हमारी प्रोटीन्स भी नहीं बन पाएंगी। ओके, तो आंसर सिकिमिक एसिड पाथवे हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, डिरिजेंट प्रोटीन के बारे में बात कर रहा है। डिरिजेंट प्रोटीन्स प्रीडोमिनेंटली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ, देखिए ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो डिरिजेंट प्रोटीन है वो आपके लिग्निन के बायोसिंथेसिस के अंदर क्या करती है, हेल्प करती है। लिग्निन के बायोसिंथेसिस में इसका रोल स्पेशली इसी के अंदर है। ये क्वेश्चन आपको रिपीट भी हो सकता है, क्या पता इस बार ऐसा आ जाए कि मैच द फॉलोविंग के लिए उसने कोई दो कॉलम बना दिए और यहाँ से उसको क्या करना है, मैच करना है, इधर डिरिजेंट लिख दिया और इधर आपका लिग्निन, तो उसके साथ में आपको मैच करना होगा, तो ये फिर से आपको पूछा जा सकता है। देखिए 19 क्वेश्चन है, Which one of the following pairs of precursor amino acid and alkaloids is correct? Alkaloid के बारे में बात कर रहा है। Alkaloids जो होते हैं वो आपके nitrogen containing होते हैं और बहुत सारे alkaloid के अंदर एक special type की ring होती है, किसी के अंदर tropan ring होती है, किसी के अंदर indole ring होती है, किसी के अंदर quinine ring होती है, किसी के अंदर quinoline होती है, तो बहुत सारे diverse group है यहाँ पे। तो जो ornithine aspartate होते हैं बच्चों, इसके लिए alkaloid के लिए बहुत सारे precursor molecule होते हैं, जैसे कि ornithine है, कुछ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड भी है, कुछ नॉन स्टैंडर्ड भी है, एस्पार्टेट है, हिस्टडीन भी आता है, लाइसिन भी आता है यहाँ पे। ओके, और आपके ये वाइफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो जो ऑर्निथिन और एस्पार्टेट होते हैं वो तो आपके निकोटिन रिंग से बिलोंग करते हैं। ओके, निकोटिन रिंग होती है यहाँ पे, और जो ट्रिप्टोफेन है, निकोटिन एक एल्केलॉइड है, निकोटिन क्या है यहाँ पे, एक एल्केलॉइड है। ओके, और हाँ ठीक है, और जो ट्रिप्टोफेन है वो किसके लिए प्रीकर्सर का काम करता है, क्विनीन के लिए काम करता है। और आप लोग तो जानते हैं कि आपका जो ट्रिप्टोफेन है उसके अंदर कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है, इंडोल रिंग, कौन सा रिंग होता है इसके अंदर, इंडोल रिंग होता है, तो क्विनीन के अंदर भी कौन सा होगा, इंडोल रिंग, ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच बिटवीन द प्लांट ड्रग एंड इट्स सोर्स, हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे मिसमैच दे रखा है जो कि करेक्टली मैच नहीं है अपने रिस्पेक्टिव प्लांट के साथ में। जो कोडीन जो है ना वो पेपेवर सोमिनीफेरम से मिलता है, ये तो ट्रू है, पेपेवर सोमिनीफेरम आपका जो अफीम है वहाँ से, विन क्रिस्टीन और विन ब्लास्टीन ये दोनों ही आपके कैथेरेंथस रोजिस से मिलते हैं, जो कि एंटी कैंसरल ड्रग होती है, एंटी कैंसरल होती है ये, एंटी कैंसर। क्विनीन जो है अभी अभी हमने बात करी थी, एंटी मलेरियल होती है, और ये कहाँ से मिलती है आपको, सिंकोना, सिंकोला लेजेरेना, ओके, एंटी मलेरियल। डिजिटेलिन जो होती है ये डिजिटेलिस परप्यूरिया से मिलता है, न कि आर्टिमिसिया एनुआ, आर्टिमिसिया एनुआ से जो मिलती है वो कौन सी है आपकी, आर्टिमिसिनिन, जो कि एंटी मलेरियल होती है, और डिजिटेलिन जो होता है वो ये आपका कार्डिनोलाइड होता है। ओके, कार्डिनोग्लाइकोसाइड इसको बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ, मिसमैच आपका यही होगा। स्पर्मिडीन, स्पर्मिडीन रिप्रेजेंट, स्पर्मिडीन जो है वो आपका आता है पोलियामाइन से बिलोंग करता है। देखिए जासमोनिक एसिड के अंदर जो भी होगा ना वो जासमोनिक एसिड आई सोल्यूशन के नाम से होगा, जासमोनिक एसिड ल्यूसीन होते हैं, मिथाइल जासमोनेट्स होते हैं, ये इसकी एक्टिव फॉर्म्स होती है या फिर इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। स्ट्राइगोलैक्टोन के अंदर भी हमने बात करी थी, स्ट्राइगोल है, ओरोबैंकोल है, ये तरीके की चीज़ें होती हैं। ऑक्सिन के अंदर इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, नेफ्थिल एसिटिक एसिड, ठीक है, फिनाइल एसिटिक एसिड, ये चीज़ें यहाँ पर होती है। तो पोलीअमाइंस जो होते हैं जिनके अंदर स्पर्मिडिन नाइट्रोजन कंपाउंड्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो स्पर्मिडिन आपके पोलीअमाइंस से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट भी हो सकता है। देखिए रीसर्पीन के बारे में बात कर लेते हैं। रीसर्पीन अ ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट मेंटल डिसऑर्डर्स एंड हाई ब्लड प्रेशर,
हाई ब्लड प्रेशर को और मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीशीज. रीसर्पिन के बारे में बात करते हैं, सरपेंटिना, रावोल्फिया, रावोल्फिया सरपेंटिना, ठीक है, ये रावोल्फिया सरपेंटिना से मिलता है, ठीक है. फेरुला से नहीं मिलता है. डिजिटेलिस ये कार्डिनोग्लाइकोसाइड होता है. एट्रोपा से एट्रोपाइन मिलता है, न कि ये मिलता है, ठीक है. आगे बात समझ में, तो करेक्ट आंसर विल बी रावोल्फिया. देखिए द एंटी कैंसरल ड्रग विनक्रिस्टीन इज ऑप्टेन फ्रॉम फ्रॉम आपको प्लांट का नाम बताना है यहाँ पे ना. तो एंटी अभी अभी हमने डिस्कस किया था विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन, ये दोनों ही आपके किससे मिलते हैं, ये दोनों ही किससे मिलेंगे, कैथेरेंथस रोजियस से, जो कि एंटी कैंसरल ड्रग होती है, ओके. और टेक्सस से अभी बताया था मैंने आपको, टेक्सोल बताया था जो कि वो भी एंटी कैंसरल ही है. अराबिडोप्सिस से कोई नहीं है, ये कोकियम है. कोकियम से आपको एल्केलॉइड्स देखने को मिलते हैं, ओके, एल्केलॉइड्स भी मिलते हैं यहाँ पे. डन, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैथेरेंथस. और विनक्रिस्टीन ये भी आपके एल्केलॉइड ही होते हैं, लेकिन उसने स्पेसिफिक मेंशन किया है तो उसके अकॉर्डिंग हम वही देखेंगे. देखिए विच एंटी कैंसरल ड्रग इज ऑप्टेन फ्रॉम कैथेरेंथस रोजियस. अच्छा देखो ये बार बार यही चीज रिपीट हो रही है कि कैथेरेंथस रोजियस कितना इंपॉर्टेंट है. और एक्चुअल में आपका ये जो कैथेरेंथस, ये जो विनक्रिस्टीन वगैरह होती है ना, ये किस चीज को टारगेट करती है, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स को. माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर ये पॉलीमराइजेशन को क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आंसर आपका, विनक्रिस्टीन. कॉल्चिसिन है, ये भी आपका क्या होती है एक तरीके से, ये क्रोमोजोम के डबलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको. सरपेंटीन अभी अभी हमने बात करी, रावोल्फिया सरपेंटिना से मिलता है. टेक्सोल आपका ये भी एंटी कैंसरल ड्रग है, ओके. द मेन एल्केलॉइड ऑप्टेन फ्रॉम डायोसिरा डेल्टोइड्स इज, आपको इस प्लांट से डायोसिरा डेल्टोइड से मिलने वाले ड्रग का एल्केलॉइड का नाम बताना है. ये तो बिल्कुल सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल और क्या चीज़ हो सकती है. सीधा सीधा ही आपको क्या करना है, वर्ड मैच करना है. ये देख लीजिएगा, डायोसेजिन, ठीक है, डायोसजेनिन, ओके, या इसका करेक्ट. ये एट्रोपा बेलेडोना से मिलता है. क्विनोन अभी हमने बात करी थी, क्विनिन सिंकोना वगैरह से. सरपेंटिन ये रावोल्फिया सरपेंटिना से, ओके. द प्लांट स्पीशीज विच प्रोड्यूस बोथ ऑयल एंड डाई इज, अच्छा ऐसा प्लांट जिसे डाई भी मिलता है और आपको आपको ऑयल भी देखने को मिलता है. देखिए ये होता है आपका कैथेरेंथस, सॉरी कार्थमस टिंटोरिस. कार्थमस टिंटोरिस जो होता है ना, ये टिंटोरी, ये होता है बच्चों, यहाँ से डाई भी मिलती है और एक ऑयल भी मिलता है. ये येलो कलर की डाई होती है, येलो एंड रेड कलर की डाई मिलती है इससे, ठीक है, येलो एंड रेड कलर की डाई मिलती है. और ये ऑयल यील्डिंग प्लांट भी होता है. और ये जो प्लांट है आपका, वो बिलोंग करता है एस्ट्रेसी फैमिली से. कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, एस्ट्रेसी. एस्ट्रेसी वही फैमिली है जिससे आपका सनफ्लावर मिलता है, ठीक है. तो सनफ्लावर से भी है तो हम लोग ऑयल को यील्ड करते हैं ना, ऑयल यील्डिंग प्लांट होता है सनफ्लावर की. तो आपको पता है कि बहुत अच्छे से खेती भी करते हैं सनफ्लावर का जो ऑयल है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका तो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजेस है, ओके. रिसिनस कम्युनिस ये आपका अरंडी है, ठीक है, कैस्टर है. यहाँ से ऑयल मिलता है बट डाई नहीं मिलती इसे, ओके, ठीक है. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्थमस टिंटोरिस. देखिए आपको यहाँ पे मैच करना है, और ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में आपको पूछा गया था, 2019 के अंदर. इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको ये देखना है कि अगर एक मैच कर लिया ना आप लोगों ने, तो आराम से हमारा हो जाएगा. हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन चाहिए. देखिए अभी अभी हम लोग, मैं इतनी देर से डिस्कस करते जा रही हूँ आर्टेमिसिनिन, और आर्टेमिसिनिन किससे मिलता है, आर्टेमिसिया एनुआ से. और क्या ये एक एंटी मलेरियल ड्रग होती है क्या, ये लीजिए. तो आप मैच करिए डी में फर्स्ट और आर, डी में फर्स्ट और आर, ये देखिए जी. आपको केवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, फोर्थ ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा, ओके. आप बाकी की चीज़ों को भी मैच कर सकते हैं. मैंने जब मैंने प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था बच्चों कि सैलिसिन नाम से जो सैलिसिलिक एसिड होता है, ये आपका मिलता है विल्लो ट्री से,
ओके ये विलो ट्री से मिलता है और इसका काम क्या होता है, एस्पिरिन लेना, जो आप लोग पेन किलर लेते हैं एस्पिरिन वो आपका इसी का है, तो बी में फोर और आपका क्यू ये हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं डिजिटॉक्सिन का, डिजिटॉक्सिन मिलता है डिजिटेलिस से, डिजिटेलिस परप्यूरिया भी बताया था, और डिजिटेलिस ये होता है आपका कार्डियक एलाइनमेंट, क्या होता है कार्डियक एलिमेंट, ओके। और यहाँ पे मॉर्फिन है, मॉर्फिन पेपेवर सोमिनिफेरम आपका अफीम से मिलता है और ये एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा, ओके ठीक है। आगे चले हम लोग, देखिए यहाँ पे मैच करना है उनकी प्रॉपर्टीज के साथ में। आपको पता है कि अभी अभी हमने क्विनिन के बारे में बात करा था, क्विनिन और एर्टिमिशिया, ये ट्रेडिशनल एंटी मलेरियल एजेंट होता है क्या, सी में सेकंड देख लीजिएगा कहाँ दे रखा है, अच्छा सी में सेकंड यहाँ पे और यहाँ पे, इसका मतलब आंसर थर्ड भी नहीं हो सकता और आपका सेकंड और थर्ड तो कट हो जाएगा। फिर देखिए विन क्रिस्टीन, अभी हमने बात करी थी एंटी कैंसर होता है क्या, एंटी न्योप्लास्टिक, एंटी न्योप्लास्टिक और एंटी कैंसर बात एक ही है, ओके तो एंटी न्योप्लास्टिक यूज है, तो डी में फर्स्ट, अच्छा दोनों में डी में फर्स्ट ही दे रखा है, ओके करेक्ट कंक्लूजन नहीं निकला अभी तो। फिर अभी हमने बात करी थी मॉर्फिन के, मॉर्फिन ये क्या है आपका एनाल्जेसिक होता है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, अभी थोड़ी देर पहले हमने मॉर्फिन के बारे में बात करी थी ना, पेपेवर सोमिनिफेरम से ये मिला था जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, और आप लोग कॉफ़ी तो पीते ही हैं, दिमाग नींद नहीं आए, सेंट्रल आपका नर्वस सिस्टम जो है उसको स्टिम्युलेट करने के लिए आप लोग कॉफ़ी का जो है आप सेवन करते ही हो, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए में फोर मैच करना है, तो ए में फोर यहाँ पे एंड बी में थर्ड, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ, ओके देखिए फिनाइल अमोनिया लाइज पाल है ना एंड चालकोन सिंथेस, अच्छा जहाँ पे फिनाइल अमोनिया लाइज आ जाए तो समझ जाना चाहिए ना कि ये फिनोलिक के बारे में बात कर रहा है, फिनोलिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनके रिगार्डिंग सही है, ट्रू बताना है, सबस्ट्रेट फॉर पाल इज फिनाइल एलेनिन एंड फॉर चालकोन सिंथेस इज चालकोन, अच्छा अच्छा देखिए पाल एंजाइम है, तो पाल एंजाइम क्या करता है फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट कर देता है आपके ट्रांस सिनामिक एसिड में, क्या बना लेगा ये ट्रांस सिनामिक एसिड, और ये अमोनिया ग्रुप को रिलीज कर देता है, तो नाम में ही आपको पता चल रहा है ना अमोनिया लाइज, तो ये अमोनिया को रिलीज करके ट्रांस सिनामिक एसिड बना देगा, तो ये तो ठीक है कि पाल एंजाइम के लिए प्रीकर्सर कौन होता है, सबस्ट्रेट कौन होता है इसके लिए फिनाइल एलेनिन होगा, लेकिन ये क्या कह रहा है चालकोन सिंथेस के लिए चालकोन प्रीकर्सर होता है, नहीं नाम से ही बोल रहा है चालकोन सिंथेस मतलब चालकोन बनाएगा, तो चालकोन उसके लिए प्रोडक्ट होता है न कि प्रीकर्सर, ओके या फिर मैं न कि सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट नहीं होता उसके लिए क्या होता है प्रोडक्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है तो ए स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ओके अब इन दोनों में देख लीजिए कि बी कॉमन है तो बी ट्रू है, पाल कैटेलाइजेस कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलेनिन टू ट्रांस सिनामिक एसिड, देखिए अभी अभी मैंने ये बात आपको बताई है, तो ये तो क्या होगा आपका ट्रू होगा। फिर कह रहा है पाल कैटेलाइज कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलेनिन टू पेरा कॉमेरिक एसिड, कि जो पाल है वो फिनाइल एलेनिन से पैरा कॉमेरिक बनाता है, नहीं बच्चों पैरा कॉमेरिक नहीं बनता, ट्रांस सिनामिक के बाद में आपका कॉमेरिक बनता है, तो पहले तो क्या बनेगा सिनामिक बनेगा उसके बाद में कॉमेरिक बनता है, तो ये सी स्टेटमेंट आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे इनकरेक्ट होना चाहिए, ओके कॉमेरिल को एंजाइम इज कन्वर्टेड टू चालकोन बाय चालकोन सिंथेस, ये ठीक है कि यहाँ पे आपके कॉमेरिल एंजाइम एक मॉलिक्यूल कॉमेरिल एंजाइम का और आपके लगभग तीन यूनिट आपके मेलोनिक मेलोनिल को एंजाइम के मिलकर चालकोन बनाती है चालकोन सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो चालकोन सिंथेस के लिए जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है वो होगा आपका कोमेरिल कोएंजाइम, ये इसके लिए सबस्ट्रेट हो सकता है, ठीक है लेकिन चालकोन जो है वो उसका प्रोडक्ट होता है न कि सबस्ट्रेट, तो डी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू, तो आंसर विल बी बी एंड डी, ओके देखिए गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स ऑन मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स,
ग्लूकोसिनोलेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय इलोंगेशन इन द लेंथ ऑफ साइड चेन्स। देखिए ग्लूकोसिनोलेट के बारे में बात कर रहा है कि ये आपके अमाइनो एसिड के जो प्रीकर्सर अमाइनो एसिड है उनकी साइड चेन के अंदर हम लोग लेंथ को या फिर इलोंगेशन करके क्या करते हैं, उसको सिंथेसाइज किया जाता है। देखिए ये स्टेटमेंट वैसे आपका ट्रू है, लेकिन अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं या फिर ये कुछ अजीब लग रहा है, तो एक बार के लिए इस स्टेटमेंट को क्या कर दें, होल्ड कर दें। ओके, ऑल टर्पीन्स प्रोड्यूस इन हर्ब्स एंड स्पाइसेस आर स्टिकी एंड ऑयली लिक्विड्स विच रिड्यूसेस द पैलेटेबिलिटी ऑफ दीज प्लांट्स। क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि जो आपके टर्पीन्स वगैरह होते हैं वो उसकी पैलेटेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं या फिर हमेशा ही उसको पैलेटेबिलिटी मतलब उसको एडिबल बना के जाते हैं? ऐसा नहीं होता, हर कोई कंपाउंड ऐसा नहीं होगा। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो उनकी पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज भी करके जाते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल भी हमने बात करी थी, जैसे कि गोल्डन राइस वगैरह है, तो वहाँ पर तो हम इंक्रीज करते हैं टर्पिन की हेल्प से। तो ये हमेशा ही ऐसा नहीं होता, कुछ आपके इन्हांस भी करके जाएंगे। और ऑल आ गया यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो बी इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट होगा, इसका मतलब आंसर हमारा ये नहीं हो सकता। अब आप इनमें देखिए एक बार, बी इनकरेक्ट है, ठीक है, तो सी। अच्छा अभी हमको ये सब पढ़ने बाकी है। देखिए साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इन अ टॉक्सिक फॉर्म इन प्लांट्स एंड दे आर देयरफॉर मोर इफेक्टिव इन डिफेंस अगेंस्ट इनवेडिंग पैथोजेंस एंड हर्बीवोर्स। कि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड जिनको प्लांट डिराइव करता है खुद अपनी बॉडी में, ताकि वो जो बाकी के कुछ हर्बीवोर है उनसे अब क्या कर पाए, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। तो प्लांट अपनी बॉडी में बना रहा है तो ये टॉक्सिक फॉर्म में बनाएगा या फिर नॉन टॉक्सिक बनाएगा? अगर खुद को खुद ही टॉक्सिक फॉर्म में स्टोर रखेगा तो क्या खुद को नुकसान नहीं होगा? क्या प्लांट की रेस्पिरेटरी चेन पर चल पाएगी साइनाइड की प्रेजेंस में? तो यहाँ पे प्लांट अपनी बॉडी के अंदर उसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में स्टोर करके रखेगा, न कि टॉक्सिक फॉर्म में। तो ये सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सी गलत हो गया तो आपका आंसर तो क्या निकल गया, ए एंड डी। अभी मैंने आपको बताया था कि ए आपका ट्रू है। फिर कह रहे थे डिफेंस मॉलिक्यूल्स एल्केलॉइड्स और दियर प्रीकर्सर्स आर गैदर्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड यूज्ड बाय सम इंसेक्ट्स फॉर दियर ऑन प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रीडेटर्स। ये भी ठीक है कि प्लांट बनाता है, लेकिन फिर भी कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो उनको प्लांट से क्या कर लेंगे, अटैक कर लेंगे, और अपनी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए क्या करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। तो वो प्लांट की डिफेंस मैकेनिज्म के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ ही वो जो इंसेक्ट या फिर जो कुछ ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर फीड करते हैं उनके भी डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, तो ये दो ये स्टेटमेंट में इसमें क्या हो जाएगा आपका, ए एंड डी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। देखिए बीटा थायोग्लूकोसाइडेज ऑल्सो नोन एज माइरोसिनेज आर द एंजाइम्स दैट आर नोन टू हाइड्रोलाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट्स। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन अगर आपको नहीं भी पता है तो हमको ये पता होना चाहिए कि थायो वर्ड आता है तो यहाँ पे सल्फर की बात होती है क्या, सल्फर। और जब भी सल्फर कंटेनिंग अगर कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है तो वो हमारे ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं। कौन होते हैं हमारे ग्लूकोसिनोलेट्स? ओके, और यहाँ पे ये माइरोसिनेज है, आपको पता है ये होता है आपका ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर। कहाँ पे होगा? ब्रेसिकेसी फैमिली। और माइरोसिन नाम आ जाए, ब्रेसिकेसी फैमिली आ जाए, ग्लूकोसिनोलेट आ जाए, तो समझ जाइएगा यहाँ पे किसकी बात चल रही है, आपके ग्लूकोसिनोलेट कंपाउंड या फिर सल्फर कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात चल रही है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्लूकोसिनोलेट। आगे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ एल्केलॉइड्स क्लास ऑफ सेकेंडरी। अच्छा एल्केलॉइड के बारे में बोला है, कौन सा एल्केलॉइड नहीं है बट है तो सेकेंडरी, ये कह रहा है सेकेंडरी तो है बट एल्केलॉइड नहीं है। तो जरा लिग्निन को देखिएगा, क्या लिग्निन हमारा एल्केलॉइड होता है क्या? ये तो हमारा फिनोलिक होता है, और फिनोलिक होता है ये तो फिनाइल प्रोपेनोइड पाथवे से मिलता है हमको। कौन से पाथवे से मिलेगा ये? फिनाइल प्रोपेनोइड पाथवे, ठीक है। इंडोल है,
ये तो आपका एल्केलोइड होता ही होता है जो कि ट्रिप्टोफेन से डिराइव होता है। ट्रोपेन है, ये भी आपका एल्केलोइड होता है। और पाइरोडीन, ये भी आपका उसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे उसके अंदर क्लासेज हैं, तो ये भी उनमें से एक है। फिर आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज प्रेजेंट स्पेसिफिकली इन द ऑर्डर ब्रैसिकल्स। अभी अभी हमने बात करी थी कि ब्रैसिकेसी नाम से या ब्रैसिकल्स के नाम से अगर कुछ आता है तो आप क्या जवाब देंगे वहां पे, आप जवाब देंगे ग्लूकोसिनोलेट। ठीक है, ये वो आपका सल्फर कंटेनिंग है। और इस क्वेश्चन को इसी तरीके से, केवल एक छोटा सा वर्ड ये इम्पॉर्टेंट है, इसको 4-5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये भी लास्ट टाइम भी जो जून वाला पेपर हुआ था, जून 2023 वाला पेपर, वहां पे भी 2 नंबर में पूछा गया था इसको। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम, सेंट्रल कार्बन एटम दैट इज बाउंड बाई अ सल्फर, अच्छा, सल्फर से बाइंड है, टू अ ग्लाइकोन ग्रुप एंड नाइट्रोजन एंड एंड बाई एंड अच्छा, एंड नाइट्रोजन टू अ सल्फोनेट सल्फोनेटेड ऑक्सीम ग्रुप। अच्छा, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, तो ये बातें तो कहाँ आती हैं आपके ग्लूकोसिनोलेट पे। सल्फर कंटेनिंग एक ही होता है, ग्लूकोसिनोलेट। नाइट्रोजन कंटेनिंग के बारे में बोले तो आपका आंसर आना चाहिए कि ग्लूकोसिनोलेट में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, साइनाइड साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स में भी नाइट्रोजन होता है, और एल्केलोइड में भी आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो ग्लूकोसिनोलेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोले विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, अच्छा कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ये हमको देखना है। तो आप लोग जानते हैं कि जो कोरियोनिक एसिड है वो तो हमने बनाया था ना, कि जिब्रेलिक एसिड का जो बायोसिंथेटिक पाथवे था, क्या हमने उसमें GGPP से एंट कोरिन बनाया था क्या, एंट कोरिन। और अगर एंट कोरिन बना है जिब्रेलिक एसिड के पाथवे में, तो जिब्रेलिक एसिड प्राइमरी है, तो उसके बायोसिंथेटिक पाथवे में जितने भी इंटरमीडिएट्स आएंगे वो प्राइमरी होंगे या सेकेंडरी होंगे, तो बच्चों वो सारे कैसे होते हैं, प्राइमरी। तो ये आपका प्राइमरी है। अच्छा, प्रोलीन तो अमाइनो एसिड ही है, और अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं आपके, प्राइमरी होते हैं। पाइरूवेट, इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता, ये तो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी चेन इसी के ऊपर टिका हुआ है। ओके, अमाइनो एसिड बनाने हैं तो भी पाइरूवेट बनाना है, तो आंसर क्या होगा आपका, एबियोटिक एसिड। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू क्या कर सकते हो, टेकल कर सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिसिनिन एंड धुरीन बिलोंग्स टू विच टू रिस्पेक्टिव ग्रुप्स ऑफ द प्लांट नेचुरल कंपाउंड्स। देखिए जितना आपको पता है आप उसके अकॉर्डिंग करिएगा इसको। आर्टेमिसिनिन है, तो आर्टेमिसिनिन अभी हम लोग इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं, और शायद मेरे ख्याल से ये लगभग 7 से 8 क्वेश्चन के अंदर आ गया। ठीक है, तो कितना रिपीटेशन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। आर्टेमिसिनिन आपका क्या होता है, आर्टेमिसिनिन होता है आपका टर्पीन, ये होता है क्या, और ये एक ही ऑप्शन में दे रखा है। आपको धुरीन के बारे में नहीं पता है तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो धुरीन आपका होता है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, जो कि आपके कौन से प्लांट से देखने को मिलता है, सोरगम। कहां से मिलेगा, सोरगम। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, टर्पीन एंड साइन। अच्छा, यहाँ पे रिस्पेक्टिव बोला है, ये बात जरूर ध्यान से देखिएगा, क्या पता किसी ऑप्शन में आपको ऐसा दे दे कि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड पहले दे दिया हो और टर्पीन बाद में दे दे। यहाँ पे तो फ्लेवोनोइड है, लेकिन यहाँ पे अगर टर्पीन दे दिया होता तो आप लोग अगर जल्दबाजी में आप आंसर क्या टिक करते, थर्ड टिक करते, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, फिर आंसर क्या होगा आपका, 4। रिस्पेक्टिव को देखना ना भूलें। ये लीजिए ना, तो ये हमारे कंप्लीट सेकेंडरी मेटाबोलाइट के क्या हो चुके हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुकी है। PYQs हमने सारे टेकल कर लिए हैं यहाँ पे, और आप भी कोशिश करिएगा कि जितना हमने यहाँ पे कवर किया है आप उसको एग्जाम में अपने माइंड में अच्छे से इसको स्टोर करके लेके जाए, आपको यहाँ से पक्का 4 नंबर का क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का कोई नेक्स्ट टॉपिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।